खबर वाराणसी से है। वाराणसी में जहां एक तरफ छात्र डॉक्टर फिरोज खान का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक गुट संस्कृत के नए प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज खान का समर्थन कर रहे हैं। छात्रों का मानना है कि गैर हिंदू प्रोफेसर का विरोध करना निंदनीय है, धर्म और शिक्षा को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उर्दू विभाग में गैर मुस्लिम प्रोफेसर पढ़ाते हैं, लेकिन मुस्लिम छात्रों ने उनका कभी विरोध नहीं किया। ऐसे में अगर गैर हिंदू प्रोफेसर संस्कृत पढ़ाता है तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। ये BHU में प्रोफेसर की जो नियुक्ति हुई है मुसलमान प्रोफेसर की, डॉक्टर फिरोज खान की, उसको लेकर के जो कुछ कतिपय लोग जो छात्र के रूप में विरोध कर रहे हैं वो सर्वथा गलत है। उसके विरोध में हम लोग डॉक्टर फिरोज खान के साथ लगातार लगे हुए, आज भारत माता मंदिर में डॉक्टर फिरोज खान के समर्थन में, और गंगा जमुनी तहजीब जो काशी की रही है, जो कबीर और नज़ीर की धरती है, इस तहजीब को बचाने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बच्चे विरोध कर रहे हैं, विरोध करने की वजह क्या है, क्या मुस्लिम पाकिस्तान? देखिए, पहली बात कि उनके पीछे कुछ एक शक्तियाँ लगी हैं जो लगातार हिंदुस्तान को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। पहली बात कि वो शिक्षक 10 में 10 अंक पाता है, वो शिक्षक एक जो बेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है विश्वविद्यालय का, जिस पे मोहर विश्वविद्यालय के कुलपति लगाते हैं कि नियुक्ति योग्य व्यक्ति की हुई है, उस नियुक्ति पे कोई सवाल नहीं हो सकता। तो मैं पूछता हूँ, ये कौन लोग हैं? क्या भाषा को धर्म से जोड़ के देखा जाएगा? और जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने सवालों को खड़ा करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में इन्हीं छात्रों के बीच में, इन्हीं बेरोजगार छात्रों के बीच में सवाल दबाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान शर्मा जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर के 8,500 वैकेंसी में से 5,500 वैकेंसी वैकेंट है, सहायक अध्यापक के 18,500 वैकेंसी में से 11,500 वैकेंसी वैकेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवानिवृत्त शिक्षक तक भी नहीं मिल रहे हैं। तो मूल सवाल तो ये है कि योग्य छात्रों के लिए वैकेंसी कब आएगी? और एक व्यक्ति जो जयपुर से आया, डॉक्टर फिरोज खान, जो सर्वोच्च में सर्वोत्तम है, यानी 10 में 10 अंक पा करके इस विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़ा रहा है, आज उसको केवल इसलिए कहा जा रहा है कि एक मुसलमान वो हमारे कर्मकांड को कैसे बताएगा, एक मुसलमान हमारे श्लोक को कैसे पढ़ाएगा? क्या हमारी संस्कृत इतनी कमज़ोर हो गई है? वो संस्कृत जो कि पूरे भाषा की जननी कही जाती है, उस संस्कृत में एक शब्द आता है अक्षत, जिसका मतलब हो जो ईश्वर को, जो ईश्वर का कारक है। अक्षत मतलब जिसका कभी छत न हो, वो जब सभी घरों में जा सकती है। और जहाँ तक जिस संस्कृत भाषा से हम उस मुस्लिम समाज की बात करते हैं, कुरान में नमाज को सलात कहा गया है, लेकिन सलात नहीं कहते, ये नमाज जो है संस्कृत के नमस से आया है, और नमस से जा करके नमाज बनता है। तो हमारी तो ये जो संस्कृत और उर्दू, ये हमारी बहनें हैं, हम उस कैसे अलग कर रहे हैं? इन भाषाओं को हम धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं? और तमाम ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ पे इस देश में मध्यकालीन भारत से लेकर आज तक जो संस्कृत को मुसलमान विद्वानों ने लिखा है, हम चाहे कुतुबुन की बात करें, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं, किसको किसको आप अलग करें? तो आज ये जो कुछ एक सोच जो हिंदुस्तान को लगातार बांटने में लगी हुई है, इस सोच के लोग हैं। मैं उन छात्रों को कहूँगा कि आप अपने पीछे जो लगी शक्तियाँ उनको नकारें, और अपने मुद्दे पे जो आप बेरोजगारी के तहत आप नौकरियाँ नहीं पा रहे हैं शिक्षित होने के बावजूद भी, आप उस मुद्दे को सरकार से उठाएं, ये कर्तव्य होना चाहिए। किसी योग्य व्यक्ति पर सवाल उठाना सरासर गलत है, क्योंकि कुलपति ने उनके नियुक्ति को मोहर लगाई है कि डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति सही है और योग्य में सर्वोत्तम के चयन हुआ है। मैं ये सवाल मीडिया के बंधुओं से लगातार कह रहा हूँ कि बनारस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी जी को इसमें स्वयं आगे आना चाहिए कि आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ वो पूरे देश में कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं, वो जहाँ पे कहते हैं कि हम एकता का पाठ पढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री हमारे एकता की बात करते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ये कौन लोग हैं? इस पे जो कुलपति के सिलेक्शन पे सवाल उठा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में सवाल उठा रहे हैं? तो इसमें मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसी शक्तियों को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए जो डॉक्टर फिरोज खान का विरोध कर रहे हैं। जो छात्र वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय संविधान को हाथ पहुँचा रहे हैं, इस पे आप क्या? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोई सिलेक्शन प्रोसेस, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है,
वो चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, भारतीय संविधान की हो, चाहे विश्वविद्यालय के संविधान की बात हो, इन सारे संविधानों को देख करके नियुक्ति की गई है, तभी तो कुलपति ने उस पर सहमति जताई। दोष उन छात्रों का नहीं है, उन छात्रों के पीछे जो सोच काम कर रही है वो कौन सी सोच है, यही तो सवाल मैं कह रहा हूँ। ये वही सोच है जो एक तरफ कहती है कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ रहने वाले लोग हिंदू हैं, तो अगर एक मुसलमान संस्कृत जो सारी भाषाओं की जननी है, अगर उस सर्वोत्तम व्यक्ति का सिलेक्शन होता है प्रोसेस के द्वारा, फिर सवाल क्यों किया जाता है। 10 में 10 अंक फिरोज खान को किसी के एहसान की बदौलत नहीं मिलता, उसकी योग्यता की बदौलत मिलता है। तो अगर ऐसे योग्य व्यक्ति के ऊपर कौन लोग हैं, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक समय काशी में भी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था। ये वही लोग थे जो कहते थे कि भगवान शिवलिंग को दलितों के छू लेने से अछूत हो जाएंगे। इसका विरोध जब यहाँ पे लोक बंधु राज नारायण जी ने किया, प्रभु नारायण जी ने कहा, उन पर हमला किया गया। आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन दलित समाज करता है, क्या हो जाता है, क्या बाबा अछूत हो जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को लगातार टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को धर्म और जाति के खाके में बांटना चाहते हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ये कबीर और नज़ीर की धरती है, यहाँ से संदेश देश और दुनिया के जाता है। लेकिन आज काशी बदनाम हो रही है, कुछ अवांछनीय लोगों को, उन पर रोक लगाया जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। इसमें तत्काल प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और दुनिया को संदेश काशी के द्वारा दें।